देश में 5 फेज का लोकसभा चुनाव हो चुका है। 25 राज्यों की 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, मतलब देश में अगली सरकार किसकी बनेगी यह क्लियर हो चुका है कि जनता का मूड और निर्णय ईवीएम में कैद हो चुका है। 25 मई और 1 जून को मतदान होना बाकी है, नतीजे 2 जून को आएंगे। बावजूद इसके ऐसे में लोगों के भीतर एक उलझन है, सवाल है कि सरकार कौन बना रहा है, पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे या सत्ता परिवर्तन होगा। फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब चुनाव राजनीतिकार प्रशांत किशोर पीके ने दिया। राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने चल रहे 2024 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया और एक साहसिक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भाजपा सत्ता में वापस आएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, किसी भी तरह का आंकलन कर लीजिए, बीजेपी या मोदी की अगुवाई वाली सरकार आ रही है। अभी जो सरकार के पास नंबर है उससे बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि लोग भाजपा के शासन से निराश हो सकते हैं। यदि सरकार के मुखिया के प्रति गुस्सा है तो विकल्प बनता है कि उन्हें हटाना है। अभी तक किसी ने भी यह बात नहीं बताई कि मोदी के खिलाफ गुस्सा है इसलिए हटाना है, भाजपा को चुनौती देने वालों को कोई शोर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस समय पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कुछ लोग जरूर कहते हैं कि राहुल गांधी आए तो कुछ बेहतर हो सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के परिणामों में बहुत अमूलचूल परिवर्तन होगा। आप भी देखिए वायरल वीडियो और कमेंट में बताएं अपने विचार।